पत्रकारों के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे डीसीएसपी, दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। बोले डीसीएसपी, वर्तमान पत्रकारिता चुनौतियों भरा, खबरों का चयन महत्वपूर्ण, सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता जरूरी, उपायुक्त। पत्रकारों को एक मंच पर देखना सुखद अनुभूति, एसपी। सरायकेला खरसावा जिला के एकमात्र मान्यता प्राप्त संगठन द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावा के द्वितीय शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त अरवा राजकमल एवं विशिष्ट अतिथि एसपी आनंद प्रकाश, एडीसी सुबोध राजनगर भाग 17 की जिला परिषद सदस्य आमोदिनी महतो, सरायकेला प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, जमशेदपुर सीडीपीओ दुर्गेश नंदनी, आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह, महिला उद्यमी उषा रानी झा आदि अतिथियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पूर्व क्लब से जुड़े पत्रकारों एवं अतिथियों ने बारी बारी से क्लब के संस्थापक वरिष्ठ पत्रकार रहे दिवंगत विनोद कुमार शरण के चित्र पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के असामयिक निधन पर एक मिनट का मौन रख उन्हें याद किया। अपने संबोधन में उपायुक्त ने क्लब से जुड़े पत्रकारों के उज्जवल भविष्य की कामना की एवं उन्हें सदैव एकजुट रहकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, वर्तमान समय में पत्रकारिता बेहद ही चुनौतियों भरा कार्य है, मगर निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता की ही सुदृढ़ लोकतंत्र का निर्माण कर सकती है। उन्होंने पत्रकारों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं एसपी आनंद प्रकाश ने भी पत्रकारिता को चुनौतियों भरा उद्यम बताया। साथ ही क्लब के निरंतर बढ़ते कार्यकलापों की उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा, पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर पत्रकारिता करना बेहद ही चुनौतियों भरा होता है। कई बार हितों का टकराव भी होता है, मगर व्यवस्थित संगठन होने की वजह से सारे मसले आसानी से सुलझा लिए जाते हैं। उन्होंने प्रेस क्लब के नित निरंतर तरक्की की कामना की। बता दें कि द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावा का गठन 4 अप्रैल 2021 को हुआ था। दो साल के कार्यकाल को क्लब ने सफलतापूर्वक पूरा किया। सत्र 2023 से 25 के लिए पुनः अध्यक्ष मनमोहन सिंह के नेतृत्व में निर्विरोध रूप से नई कार्यकारिणी चुने गई है। अपने संबोधन में अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने जिले के तमाम पत्रकारों का आह्वान करते हुए कहा कि 24 घंटे पत्रकार हित के लिए काम करना ही क्लब का उद्देश्य है। जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के मंत्री चंपई सोरेन से मिल रहे अपेक्षित सहयोग की वजह से जिले के पत्रकार नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। कुछ पत्रकार साथी ऐसे हैं जो दुर्भावना से ग्रसित है, उनका भी क्लब में स्वागत है। हम इस जिले को पत्रकारों के लिए मॉडल जिला बनाना चाह रहे हैं, ताकि पत्रकारिता के लगातार गिरते स्तर में सुधार लाई जा सके, अंचल स्तर के पत्रकारों को जिला में भागीदारी मिले, यही इस क्लब का उद्देश्य है। शपथ ग्रहण समारोह को आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह, सीडीपीओ दुर्गेश नंदनी एवं महिला उद्यमी उषा रानी झा ने भी संबोधित किया एवं द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावा द्वारा किए जा रहे कार्यों की मुक्त कंठ से सराहना की। साथ ही भरोसा दिलाया कि जब भी पत्रकार एवं पत्रकारिता हित से जुड़े मसले होंगे, उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान सीडीपीओ जमशेदपुर दुर्गेश नंदनी द्वारा प्रेस क्लब के पत्रकारों को 101 किलो के फूलों का माला भेंट किया गया। उन्होंने कहा कि एक सूत्र में पत्रकार बंध ही रहे, यह माला उसी उद्देश्य से दी जा रही है। उन्होंने कहा, जिले के प्रेस क्लब की चर्चा न केवल झारखंड बल्कि दूसरे राज्यों में भी हो रही है, ऐसा सुनना गौरव की बात है। अंत में सभी सदस्यों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय गान के साथ शपथ ग्रहण समारोह का समापन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। मृत्युंजय और आदित्यपुर क्षेत्र के पॉपुलर लीडर पुरेंद्र जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, खासकर आज दूसरी बार ओथ लेने वाले आपके प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावा के नवचयनित अध्यक्ष मनमोहन जी, सभी पत्रकार साथी, हमारे प्रमोद जी, संतोष जी, रमजान जी, संजीव जी, सुनील जी, कई सारे मित्र बाई नेम, सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और जोहार। कोई भी चीज, कोई भी नया चीज जीरो से स्टार्ट करना कितना मुश्किल है सब जानते हैं। जब दो साल पहले, कई ढाई साल पहले अगर आप देखेंगे तो
ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिसपे सभी जर्नलिस्ट मित्र एक जगह बैठकर अपना विचार रखें। किसी एक जर्नलिस्ट के साथ कोई घटना घट जाती है, कोई समस्या आती है, तो उसके लिए सभी खड़े होने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो जब मनमोहन जी, संतोष जी, पूरे टीम वहाँ सरायकेला में इस तरह का एसोसिएशन फॉर्म किए, आदरणीय उपायुक्त महोदय, एडीसी साहब और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, हमारे मीडिया के बंधु और हमारे विभाग के भी और प्रशासनिक पदाधिकारी जो है उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावां का द्वितीय सफल समारोह है। जैसा कि मुझे बताया गया कि 2021-22 के लिए हर दो साल पे इसका चुनाव होता है। 2021-22 के लिए चुनाव हुआ था 2021 में, उस समय भी मनमोहन जी जीते थे। और इस बार जैसा कि मुझे बताया गया कि इस बार कोई वोटिंग नहीं हुई, वो निर्विरोध तरीके से चुन लिए गए, जो उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। आपके जो मेंबरशिप है, आपका जो क्लब है, उस क्लब में उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। और मुझे, मैं हैदराबाद गया था ट्रेनिंग में, लगभग 6 सप्ताह का ट्रेनिंग था, तो डीसी साहब ने मुझसे पूछा कि आप कब आइएगा, तो मैंने कहा 7 अप्रैल को मैं आ जाऊँगा। उसी हिसाब से डेट फिक्स किया गया आज का, और मैंने टाइम नहीं पूछा डीसी साहब से, तो कहा, उन्होंने कहा कि 1 बजे, हमने कहा ठीक है, ओके, अच्छा है। और मैं सभी जो नवनिर्वाचित, मनमोहन जी जो अध्यक्ष हैं और जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं, जो ऑफिस बेजर हैं, उनको हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि वो जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं, उसी तरह तरीके से, अच्छे तरीके से अपना काम करें। और हमारी जो ये पत्रकारिता जो फील्ड